A very good morning, my dear students. In this video, we are going to see some more advanced formatting tools in Microsoft Word. The tools which we are going to see today is alignment, indentation, line spacing, paragraph spacing, and find and replace options. Okay? So see this video very carefully, and after seeing this video, do all the steps in your computer or mobile phone as well. Okay? Before starting, let me tell you what is a tab and what are the groups. I told you in the Zoom class also, like these options: file, home, insert, design, page layout, references, mailing, review, view. All these are tabs. And under particular tab, there are different types of groups. Groups mean, जैसे हम लोग एक particular एक तरीके की चीजों का group बना देते हैं ना, class में जब project मिलता है तो वो बच्चे एक group में ज्यादा रहते हैं जो घर के आसपास रहते हैं या फिर जो एक दूसरे से बात करते हैं, जो एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं. एक ही तरह की चीजें एक ग्रुप में रखी जाती हैं. इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन अ पर्टिकुलर टैब, लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग. क्लिपबोर्ड के अंदर, डू यू नो क्लिपबोर्ड इज अ मेमोरी इन अ कंप्यूटर. जब भी हम कॉपी पेस्ट या कट कोई चीज करते हैं तो कॉपी करने के बाद जहाँ पे वो चीज थोड़े टाइम के लिए सेव हो जाती है, उस मेमोरी को क्लिपबोर्ड बोला जाता है. इसीलिए सारे कॉपी पेस्ट के रिलेटेड ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के अंदर दिए हैं. देन फॉन्ट, फॉन्ट मींस चेंजिंग द स्टाइल्स एंड राइटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट. दैट इज व्हाई ऑल द सेटिंग्स रिलेटेड टू font are giving in font group. Then in paragraph group, alignment options are given, line spacing is given, bullets is given, because all these options are used in a paragraph. Okay, in the same way, different same types of tools are grouped in a particular name. Okay, so let's start. First formatting tool which is given in your book is alignment. We all know alignment refers to the placement of text with respect to left and right margin. ये जो आपको dark color दिख रहा है ना यहाँ पे, this side and this side. This helps us to edit the margin of a particular document. Let me show you. अगर हम इसको click करके drag करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आप अपना margin इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. लाइक दिस, दिस इज द लेफ्ट मार्जिन बिकॉज इट इज इन लेफ्ट साइड, एंड दिस वन इज राइट मार्जिन बिकॉज दिस इज इन राइट साइड. देन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी अ रूलर ऑप्शन ऑल्सो. दिस इज फॉर टॉप मार्जिन, हम कितना स्पेस रखना चाहते हैं, एंड दिस इज फॉर बॉटम मार्जिन. ओके, सो अलाइनमेंट क्या करता है, मार्जिन के रेफरेंस में टेक्स्ट को प्लेस करता है, लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑन द राइट साइड. दिस द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर अ डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज लेफ्ट मार्जिन, सॉरी लेफ्ट अलाइन. शॉर्टकट की फॉर लेफ्ट अलाइन इज Control plus L. Then center align. This is center align. इसमें देखिए आपका जो, एक बार फिर से हम देखते हैं लेफ्ट करके. This is left and this is center alignment. इसमें पूरे टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीचों बीच प्लेस कर दिया है. Then right alignment. इसमें डॉक्यूमेंट को पूरे राइट साइड जो भी टेक्स्ट है उसको राइट साइड प्लेस कर देता है. This one is right alignment. And last one is the justify. Means इसमें जो text हो,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड. एज यू कैन सी, यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो. बोथ द साइड मार्जिन्स आर सेम. मोस्टली नॉवेल्स और बुक्स आर रिटन इन जस्टिफाई फॉर्मेट. जो नॉवेल्स होते हैं वो ज़्यादातर जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करके ही लिखे जाते हैं. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंडेंटेशन. एज आई टोल्ड यू, इंडेंटेशन हेल्प अस टू फिक्स द अमाउंट ऑफ स्पेस विच वी वांट बिटवीन अ टेक्स्ट एंड अ पेज मार्जिन. ओके, कम टू पेज नंबर 33 इन योर बुक एंड वी विल रीड द स्टेप्स वन बाय वन एंड वी विल डू ऑल द प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन इन योर बुक. First step for indentation is select the text to be indented. So we will select this whole paragraph. Okay. Second step is click on the page layout tab. Where is page layout tab? Here. Now we will click on page layout tab. After that, do one of the following. A. Specify the values for left and right indent under the paragraph group. This one, here you can select the value of left or right indent. Or B option is click on the dialog box launcher button at the bottom right corner of the paragraph group. The paragraph dialog box open. Okay. This is paragraph dialog box. Sorry, dialog box launcher. And this is paragraph dialog box. Let's see again. This small button at the corner of the paragraph group is the launcher. यहाँ से launch होता है. क्या launch होता है? Paragraph dialog box. Now we will set the values for left indentation and right indentation as well. लेट्स सी. और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी शो होता रहेगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो कैसे आएगा. लेट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट. क्लिक ओके. एज यू कैन सी द स्पेस बिटवीन लेफ्ट पेज मार्जिन एंड टेक्स्ट इज इंक्रीज. लेट्स ट्राई द राइट इंडेंट. Set the value of left indent 0 and we will increase the value of right indent. As you can see, the space between the right side of the page and right margin and text is increased. Let's set the value 0 to both, that is the default value. Now we will try other options of indentation, that is special indents. Two types of special indents are first line and hanging. From here, you can choose the special indents options. This is first line. Let's see the result. As you can see, the first line margin is different from the rest of the document. Let's try hanging. Click OK. Now you can see except first line, the rest of the document is different according to indentation. So these are the steps for applying indentation in your document. Okay. Now, next is line spacing. Line spacing means space between two lines. Okay? First, we will select the... Let's read out the steps given in your book. In page number 34. First is select the text or paragraph for which you want to change the line spacing. Let's select this whole paragraph. Then click on the Home tab. This is Home tab. Click on the line spacing in the
पैराग्राफ ग्रुप और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। ओके, वेयर इज लाइन स्पेसिंग ऑप्शन? इन द पैराग्राफ ग्रुप एंड दिस इज लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। We will click on this small arrow and a drop-down menu will appear. Here is the drop-down menu. You can select different ranges of line spacing like this. As you can see, I am increasing the ranges, the spaces between the lines in document is also increasing. Let's choose 1.5. So, by this way, we do line spacing in MS Word. Let's try it again. Select the text. Come under Home tab. Then paragraph group, line spacing option. Then choose the different values of line spacing. Okay. Next topic is paragraph spacing. Before using this option, let's write another paragraph. Just copy this paragraph and paste it under this again. So now we have two paragraphs. Now we will increase and decrease the space between these two paragraphs. Okay? First step is, in page number 35 steps are given. First step is select the paragraph before or after which you want to change the spacing. Let's select this second paragraph. Then step 2, click on page layout tab. Where is page layout tab? Here it is. Enter the required values in before and after spin box under spacing under paragraph group. यहां से हम लोगों ने इंडेंट सेट किया था, उसी के राइट साइड में ऑप्शन दिया है स्पेसिंग। फ्रॉम हियर वी कैन सेट द वैल्यूज ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। लेट्स इंक्रीज इट। This is after and this is before. Before means paragraph के ऊपर का space and after means paragraph के. As you can see, I'm increasing it. The space between these two paragraphs is increased. See? समझ में आ रहा है? Let's decrease this again. Okay? Let's try it in this paragraph. Select it and increase the after space. Okay, so this is paragraph margin. Next topic is column formatting. Just I told you that format which is given in newspapers, that is column formatting, means all the texts are entered in the form of different columns. जैसे हम लोग normally अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उस तरीके से उसमें नहीं रहता, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स, टू और थ्री कॉलम्स में आपका जो टेक्स्ट है वो अपीयर होता है। लेट्स सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। सिलेक्टिंग होल डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस ए। ओके, then click on page layout tab. Steps are given in the page number 37 in your book. Then here is our option, columns. We will click on this small arrow. Now we will choose 1, 2, 3 options, whichever we want. Let's choose 2 options. As you can see, jitna bhi hum log ne type kiya tha wo 2 columns mein divide ho gaya hai. Just like your newspaper. Let's choose 3 columns. First select the whole document. Then again click on columns. Let's choose 3 columns. As you can see, the whole document is divided in 3 columns. So this is column formatting option.
If you want more columns, then click on this arrow. A drop-down menu will appear, then click on More Columns. Here you can also set the width and spacing of column. Let's select it again. Click on Columns, click on More Columns, and we will reduce the width. Okay? Two columns options. Here you can see the preview also. Okay. As you can see, the whole document is properly adjusted in the form of two columns. So students, in this class, we had learned about different types of options like in paragraph formatting, that is alignment, indentation, line spacing, paragraph spacing, etc. And at the last, column formatting. Now, further topics which is given in your book like find feature options, selecting page properties, etc. We will discuss it in the next class. And I will make a separate video for all that tools. Till then, practice all these steps in your computer or laptop, and after creating a document, click a picture, or you can easily save your file and send it to me in WhatsApp. Okay? I will give you marks on that. It will be calculated in your SCA also. So students, take care. We will meet in the next class. Bye-bye.